नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। बात करते हैं जबलपुर की। जबलपुर के सिविक सेंटर में दिन दहाड़े गोली चलने से सनसनी फैल गई। दो बदमाशों ने जिम के संचालक अमित भसीन पर दनादन फायरिंग कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों हमलावर फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी और घायल को निजी अस्पताल पहुंचाया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने गोलियों के खाली खोखे बरामद किए हैं। एसपी अमित सिंह भी मौके पर पहुंचे और फिर अस्पताल पहुंचकर घायल से घटना के संबंध में पूछताछ की। सर, गोली चलने क्या मामला? अभी कुछ देर पहले अमित भसीन, जो एशिया जिम के मालिक हैं, उनके ऊपर गोली चालन किया गया है, जिसमें दो लोग सस्पेक्ट है, दो लोग आरोपी हैं। अमित से मेरी कुछ व्यक्तिगत बात हुई है, राशिद और गोलू का नाम बताया है। सीसीटीवी फुटेज भी हमें मिल गए हैं, दो लोग भागते हुए से नज़र आ रहे हैं। पीछे जो आवेदक है वो भाग रहा है। अमित को जांग में गोली लगी है और एक पेट के नीचे हिस्से में लगी है। दोनों गोलियां शरीर में ही फंसी हैं, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी फंसी हुई है। ब्लीडिंग एक्सटर्नल ब्लीडिंग नहीं है। डॉक्टर से मेरी बातचीत हो गई है। जो अमित भसीन हैं वो आउट ऑफ डेंजर हैं। हमने टीम बना दी है, रवाना भी हो गई। जल्दी राशिद और गोलू को हम अरेस्ट कर लेंगे। इनका जो राशिद इनके यहाँ एक साल पहले काम करता था और इनका विवाद किसी इशू को लेकर हो गया था, जिसके कारण अमित ने इन्हें अपने जिम से निकाल दिया था। अभी भी वो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। एक दो जगह काम करने का भी के विषय में जानकारी मिली है। गोलू उसी का साथी है। इन दोनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। जल्दी हम इनको अरेस्ट करेंगे।